मालमजब्बा एक बेहतरीन हिल स्टेशन है जो कि सवात में वाक़ है। मालमजब्बा स्नोफॉलिंग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मालमजब्बा का बेहतरीन नज़ारा करने के लिए नवंबर से फरवरी बेहतरीन महीने हैं। पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मालमजब्बा में की जाने वाली टॉप 5 एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप तनवीर राजपूत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, शुक्रिया। नंबर 1, स्कीइंग। मालमजब्बा एक स्कीइंग रिजॉर्ट है। यहाँ पे आप बर्फ़ के पहाड़ से स्कीइंग करते हुए नीचे आ सकते हैं। मालमजब्बा में स्कीइंग के चार्जेस 2000 रुपये पर हेड है। मालमजब्बा विजिट करने वाले स्कीइंग करना पसंद करते हैं। नंबर 2, चेयरलिफ्ट राइड। मालमजब्बा में चेयरलिफ्ट का सफ़र 1.5 किलोमीटर है और यहाँ के टिकट प्राइस 800 रुपये पर हेड है, जबकि मालमजब्बा स्कीइंग रिजॉर्ट में एंट्री फीस 300 रुपये पर हेड है। चेयरलिफ्ट में आपको बेहतरीन नज़ारा मिलेगा और चेयरलिफ्ट के लिए आपको ज़्यादा एडवेंचर होने की भी ज़रूरत नहीं है। मालमजब्बा के चेयरलिफ्ट में फैमिलीज और छोटे बच्चे भी सफ़र कर सकते हैं। नंबर 3, ज़िप लाइन। मालमजब्बा के ज़िप लाइन की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 9,200 फीट है। नई नस्ब शुदा ज़िप लाइन सवारी तकरीबन 1,000 फीट बुलंद है और इस ज़िप लाइन की लंबाई 2,000 फीट है, जो कि आपको 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचा देती है। मालमजब्बा ज़िप लाइन की प्राइस 5,000 पर हेड है। नंबर 4, जायंट स्विंग। जायंट स्विंग एक बहुत बड़ा झूला है जिसमें आप बहुत बड़े एरिया पे झूल सकते हैं। मालमजब्बा में जायंट स्विंग एक्सपर्ट्स की निगरानी में की जाती है। मालमजब्बा में जायंट स्विंग की प्राइस 5,000 रुपये पर हेड है। नंबर 5, ह्यूमन स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट गुलेल को कहते हैं, जिस तरह हम बचपन में गुलेल में पत्थर रख के उसे खींच कर दूर फेंकते थे, लेकिन मालमजब्बा में हम खुद उस गुलेल के अंदर जा के अपने आप को दूर फेंकते हैं। ये भी एक्सपर्ट्स की निगरानी में की जाती है, इसलिए मालमजब्बा में जायंट स्विंग की प्राइस भी 5,000 रुपये पर हेड है। ये थी मालमजब्बा में की जाने वाली टॉप 5 एक्टिविटीज़। सिर्फ एडवेंचर के शौकीन और बड़े दिल वाले हजरात इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।